तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। भाजपा पर हमला बोलने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कर्माटार प्रखंड में एक चेक डैम के शिलान्यास के दौरान उन्होंने निर्गामक तरीके से भाजपा पर प्रहार करने का काम किया है। विधायक ने कहा है कि भाजपा किसान विरोधी पार्टी है, जो हमारे अन्नदाता है उनके रास्ते में भाजपा कील बिछा रही है, लाठी डंडे बरसा रही है। यह सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की नहीं। झारखंड में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रघुवर दास हुए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा के पैर पकड़ लिया तो ये पाक साफ हो गए, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के पांव नहीं पकड़ा तो उन्हें जेल भेज दिया गया। विधायक ने कर्माटार प्रखंड के जगन्नाथपुर जोरिया से लघु सिंचाई प्रमंडल के द्वारा करीब 2 करोड़ लाख की लागत से बनने वाले श्रृंखला बंद चेक डैम का शिलान्यास किया। कहा कि मैं राजनीति में विकास करने आया हूँ। सड़कों में कील बिछाए जा रहे हैं, मतलब कांटी। कभी सोचा नहीं था कि जो किसान, जो अन्नदाता है हमारा, जिसके कारण हम लोग सब्जी फल फूल जितना सामान हम लोग खा रहे हैं सब किसान का देन है, और उस किसान को बताइए सड़कों में एकदम कांटी। अब पैर में मेरा किसान को कांटी गड़ेगा, गोलियां चलाया जाएगा किसान पर। MSP का जो है वो रेट भी आप नहीं दे रहे हैं किसान को, तो क्या दिखाना चाहते हैं? हमारा किसान मर जाए क्या? तो निश्चित तौर पर हम लोग किसानों के साथ हैं। आप देख सकते हैं कि इससे बड़ा चेक डैम हमने दिया है किसानों को, अपने आदिवासी भाइयों को। दिल्ली के किसान आंदोलन वो किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ कुछ सीमित राज्यों के, जो आपके पंजाब जैसे राज्यों के कुछ मैंने लोग एक षड्यंत्र के तहत वहाँ से लोगों ने एक विरोधियों के द्वारा ऐसे समय में जब देखा है कि लोकसभा का चुनाव सामने में है तो इस तरह से मोदी जी को बदनाम करने का असफल प्रयास है। इसे जो किसान आंदोलन का ये समग्र आंदोलन नहीं है, पूरे देश के किसानों का ये आंदोलन नहीं है, और जो किसानों की जो मांगे हैं भारत सरकार लगातार बात करने के तैयार।